जिनमें स्टोरेज मेमोरीज या स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा था। आज कोशिश करेंगे उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे कंप्यूटर में जो या जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी, दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है वो डायरेक्टली कनेक्ट किए जाते थे टू द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो जो सेकेंडरी होते थे वो इनडायरेक्टली कनेक्ट किए जाते थे। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमने एग्जांपल्स दिए थे, हमारे रोम था, रैम था और कैशे मेमोरी थी, ठीक, या कैच मेमोरी भी कह लो, नो मैटर। और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है डियर स्टूडेंट्स, उनमें हमारी फ्लॉपी डिस्क आती थी, हार्ड डिस्क आती थी, मैग्नेटिक डिस्क है, उसमें सीडी है, डीवीडी है, और भी इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो दोनों में फ़र्क ये है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनमें डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, जो प्राइमरी है उनमें डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। माँ सिवाय रोम के जो बायोस को, बायोस के फंक्शन को परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर कर लेते हैं, राइट। ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा रोम होता है, हमारा रैम होता है और कैशे मेमोरी होती है, राइट। अब रोम से क्या बनता है या रैम से क्या बनता है इसे देखते हैं, मसला नहीं है। और यहाँ पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो फ्लॉपी डिस्क है, ये शायद आजकल के बच्चों ने नहीं देखा होगा, ठीक है, ये भी बहुत छोटी मेमोरी होती थी जिनमें 1 पॉइंट समथिंग MB को स्टोर किया जा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास हार्ड डिस्क, इसमें बहुत ज़्यादा हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस है, यानी USB है, ठीक है, CD है और DVD वगैरह है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक। जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये जो है ये नॉन वोलेटाइल हैं, ये सारे के सारे क्या है, नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल से क्या मुराद है इसे समझते हैं। और जो प्राइमरी है ये वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, या इससे पहले ये समझते हैं कि जो रोम को, जो रैम है और कैशे मेमोरी है, ये हमारे वोलेटाइल मेमोरी है और जो रोम है वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल बड़ा आसान कंसेप्ट है, यानी वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा बहुत कम टाइम के लिए आ जाता है, ठीक है, यानी जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक। जिस तरह हम रोम की बात करें, अगर सॉरी रैम की बात करते हैं, रैम में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रैम में डेटा उस वक्त तक स्टोर होता है जब तक हमारा कंप्यूटर चलता है, राइट। यानी हमने कंप्यूटर को ऑन किया, हमने हार्ड डिस्क से डेटा लिया, वो रैम में चला गया, जब रैम में चलता है तो हमारा कंप्यूटर ऑन है, रैम में डेटा पड़ा हुआ है, वो डेटा कनेक्ट किया जाता है सीपीयू के साथ, राइट। ये उस वक्त तक कनेक्शन रहता है जब तक के रैम में डेटा रहेगा, और रैम में उस वक्त तक डेटा रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है। बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो हम देखते हैं कि रैम में फिर डेटा बाकी नहीं रहता, डेटा गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह कैशे मेमोरी भी है, उसमें भी डेटा जो है वो गायब हो जाता है, राइट। तो डेटा गायब होना और कुछ वक्त के लिए स्टोर होना, हमेशा के लिए स्टोर नहीं होना, ऐसे करेक्टर को फिर हम लोग
नॉन वोलेटाइल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है, ठीक, यानी जिसमें डेटा जो है जल्दी गायब हो जाता है, उस वक्त तक रहेगा जब तक इसको आप पावर देते रहो कंप्यूटर को, ठीक है, यानी डेटा इसमें आरजी तौर पर स्टोर होता है, इसमें आरजी स्टोरेज होती है, राइट, यानी इसमें डेटा की स्टोरेज आरजी है, जबकि रोम में है, रोम में आरजी नहीं है, ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी इसमें डेटा रहता है, यानी इसमें डेटा जो है परमानेंटली रहेगा। रोम में के भी फिर टाइप्स होते हैं, रोम के टाइप्स, फिर पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रोम होता है, ठीक है, और जो हमारा ई रोम होता है, इरेजेबल होता है, और ई रोम होता है, तो उसमें जो पी रोम होता है उसमें, ठीक है, उसमें जो है हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। एक दफ़ा हमने उसमें डेटा को स्टोर कर दिया फिर उससे ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह आप कंप्यूटर को जब फर्स्ट टाइम ऑन करते हो डियर स्टूडेंट्स, तो वो कंप्यूटर कैसे खुद ब खुद स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर की ये मेमोरी कहाँ है कि कंप्यूटर ने स्टार्ट लेना है, ठीक है, विंडो को ओपन करना है, ठीक है, ये कैसे होता है सब कुछ, ये जो मेमोरी है कि कंप्यूटर ने स्टार्ट में कैसे ओपन होना है, ठीक है, किन किन रास्तों से गुजरना है, ये मेमोरी रोम में स्टोर होता है, जो पी रोम होता है उसमें ये स्टोर किया जाता है, ठीक है। और ये बायोस का फंक्शन देता है, ठीक है, यानी BIOS बेसिक जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है कंप्यूटर का, वो इसके अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक। कंप्यूटर स्टार्ट किया, लॉगिन किया, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट लेता है, ये जो मेमोरी है कंप्यूटर में ये रोम में रखा जाता है। रोम मैंने बताया था कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, जो मदरबोर्ड में रखा जाता है CPU के करीब, राइट। और जो हमारा रैम और कैशे मेमोरी होती है डियर स्टूडेंट्स, ये वोलेटाइल है, यानी इसमें मेमोरी जो मेमोरी आती है, डेटा आता है, वो बहुत कम वक्त के लिए आता है, यानी उस वक्त तक रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर बंद हो गया, इसमें जो डेटा चला गया था वो भी ख़त्म हो जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वैसे तो दोनों प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन दोनों में फिर ये फ़र्क है कि ये वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है, यानी ये परमानेंटली इसमें स्टोरेज पड़ी रहती है, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने कंप्यूटर को ऑफ किया, बंद किया, कंप्यूटर दोबारा जब स्टार्ट करेंगे वो भूल जाता है कि मैंने कैसे स्टार्टअप करना था, ठीक है, नहीं, उसमें परमानेंटली वो याददाश्त रहेगा, वो मेमोरी रहेगी, तो कंप्यूटर को बार बार स्टार्ट करने से उनको ये बताना नहीं पड़ेगा कि आपने किस तरह से स्टार्ट होना है, कंप्यूटर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है, राइट। और ये नॉन वोलेटाइल टाइप के हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा, किसमें डेटा परमानेंटली रहता है, ठीक है, आरजी तौर पर नहीं रहता है। एक और बात आप लोगों को बताता चलो कि ये जो रैम है या कैशे मेमोरी है, ये दोनों बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, डेटा को बड़ी तेज़ी से ओपन करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं, लेकिन दोनों में फिर ये जो कैशे मेमोरी है ये इससे भी ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। जो कैशे मेमोरी है, इसको अपलोड कर लें कि कैशे डिवाइस इज फास्टर देन रैम। वैसे रैम भी बहुत तेज होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में फिर ये है कि कैशे जो है वो सबसे ज़्यादा तेज होता है, ठीक है, रोम से, ये रैम से। अगर आपके जहन में एक सवाल आ रहा है कि रैम से क्या बनता है या रोम से क्या बनता है, ठीक है, तो ये भी मैं लिखता हूँ, रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और जो रोम है वो है रीड ओनली मेमोरी, यानी वो मेमोरी को सिर्फ रीड करता है, ठीक है, वो एक्सेस नहीं करता है, ठीक है, वो जो उसके पास डेटा पड़ा हुआ है उस तक एक्सेस नहीं होती है उसकी, या किसी और डेटा तक इसकी एक्सेस नहीं होती है, इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है सिर्फ उसको रीड कर सकता है बस। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, किसी भी वक्त मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, ठीक। तो चलिए इसको थोड़ा मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए,
रेंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है वो है रीड ओनली मेमोरी, राइट, कि ये मेमोरी को सिर्फ रीड करता है, बस वो एक्सेस करता है, राइट। कैसे भी इसी टाइप का है ये वोलेटाइल, और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है ये सारे के सारे नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल से क्या मुराद है, कि ये परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट, डेटा या इंफॉर्मेशन को, ये परमानेंटली डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अनटिल इट इज डिलीटेड और ओवररिटन, यानी इन डिवाइसेस में डेटा स्टोर रहता है, उस वक्त स्टोर रहता है जब तक आप इसको खुद डिलीट नहीं करते हैं, इस डेटा को निकाल के दूसरा डेटा इसके ऊपर लाते नहीं है। यानी इसको अगर हम समझना चाहते हैं, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, राइट, आपने यूएसबी अंदर डाली, आपके यूएसबी में आपका डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जब आप उसको ओपन करते हो तो वो डेटा जाकर रैम में खुलता है, ठीक, रैम में खुल जाता है, राइट, रैम में खुलने के बाद वो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। अब लाइट चली गई, जब लाइट चली गई तो वो जो आपका डेटा यूएसबी से रैम में चला गया था, रैम से वो गायब हो जाता है, क्योंकि रैम जो है वो वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। लेकिन आपकी यूएसबी से वो गायब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है, उसमें परमानेंटली डेटा स्टोर रहेगा। आप लाइट आने पर दोबारा कंप्यूटर को ऑन कर लो तो यूएसबी डालो, आपका डेटा दोबारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है, राइट, यानी डेटा जो है वो सेकेंडरी डिवाइसेस से चला जाता है प्राइमरी में, प्राइमरी से फिर उसमें। तो हमें एक छोटा सा मैकेनिज्म लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का मैकेनिज्म कैसा काम करता है, बड़ा आसान है, हम इनपुट डेटा देंगे, इनपुट देंगे, अब वो इनपुट हम स्टोरेज डिवाइसेस से देंगे, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो जाहिर सी बात है वो जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनसे देंगे, राइट, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, उससे डेटा को उठाते हैं तो वो रैम में चला जाता है, रैम पे उसको एक्सेस करता है सीपीयू को, तो वो हमारा इनपुट डेटा होता है, ये यूएसबी से देते हैं, तो इनपुट आता है, इनपुट को फिर सीपीयू प्रोसेस करता है, ठीक है, ये डेटा को प्रोसेस करेगा। जो इनपुट डेटा हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर का जो सीपीयू है, जो दिमाग है कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, हमें आउटपुट की शक्ल में डेटा मिल जाएगा, राइट, और वो आउटपुट हमारा ऑडियो वीडियो सिग्नल्स हो सकते हैं, या पिक्चर्स हो सकते हैं, वो मूवी हो सकती है, ये हमें आउटपुट की शक्ल में मिलता है। तो एक छोटा सा मैकेनिज्म है कि जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से वर्क करता है, राइट, इंफॉर्मेशन को डेटा को स्टोर कर सकते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस में, हम प्राइमरी भी और सेकेंडरी में भी, ठीक। तो फिर से इसकी तरफ आते हैं, इनपुट डेटा दिया हमने कंप्यूटर को, ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से, ये चला जाता है सीपीयू प्रोसेस करता है। सीपीयू कहाँ से लेता है डेटा को, रैम से लेता है, ठीक है। एक दरमियान में एक चीज़ अगर हम कर लें, इनपुट डेटा हमने दिया वो रैम में चला जाता है, इधर ये रैम में आता है, तो रैम से फिर ये सीपीयू में चला जाता है, ये ऐसे कर लें, रैम में आता है, कैशे मेमोरी में आता है, और दोनों से फिर चला जाता है ये सीपीयू में, सीपीयू प्रोसेस करके हमें आउटपुट मॉनिटर पर मिल जाता है। फिर से सुन ले, कंप्यूटर का जो वर्किंग है किस तरीके से होता है, हम स्टोरेज डिवाइसेस से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर में ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा या इंफॉर्मेशन चलता है
वो खुलता है रैम या कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है प्रोसेसर से, सीपीयू से। सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है, वो आउटपुट हमें ऑडियो वीडियो सिग्नल की शक्ल में या मूवीज़ और पिक्चर की शक्ल में मिलता है। ये कंप्यूटर का इस तरीके से काम चलता रहता है। तो एक दफ़ा से फिर देख ले, जो स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज में रोम है, रैम है, कैशे है, फिर इन दोनों में भी फ़र्क है। जो रैम और कैशे मेमोरी है वो वोलेटाइल टाइप की है, इनमें डेटा जो है बहुत आर्जी तौर पर या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, यानी कंप्यूटर ऑन होगा तो डेटा रहेगा, कंप्यूटर को बंद करेंगे तो डेटा ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इसको वोलेटाइल टाइप मेमोरी कहा जाता है। जो रोम होता है प्राइमरी मेमोरी में, उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। जो पी टाइप का प्रोग्रामेबल जो हमारा रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है, यानी इसमें जो बायोस का फंक्शन है रखा जाता है कि कंप्यूटर ने किस तरह स्टार्टअप होना है, वो मेमोरी इसमें रखा जाता है, इसमें परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, इसी तरीके से कि जो हमारा कंप्यूटर है डियर स्टूडेंट्स, वो किस तरीके से काम करता है, उसमें हम डेटा इनपुट की शक्ल में देते हैं फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। वो जो डेटा है वो चला जाता है, खुल जाता है किस चीज़ में, जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है रैम में या कैशे मेमोरी में। ये दोनों फिर रब्ता करते हैं सीपीयू के साथ, ठीक है, क्योंकि ये सीपीयू के साथ करीब होते हैं और उनका डायरेक्ट ताल्लुक होता है। सीपीयू इस डेटा को रैम से लेकर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट की शक्ल में वो डेटा मिलता है। ठीक है, यानी हम मॉनिटर के या स्क्रीन पर मूवीज़ भी देखते हैं, ऑडियो भी सुनते हैं, पिक्चर्स भी देखते हैं, ग्राफ्स भी देखते हैं, वीडियो गेम्स भी देखते हैं, ये सारा मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है, राइट। इसके अलावा हम और भी मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस हमारे पास होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं उसके मैकेनिज्म को भी हम लोग समझेंगे। यानी जो हमारे ऑडियो वीडियो कैसेट होते हैं, ठीक है, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिज्म है उसका इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को उसमें से स्टोर कर सकते हैं और डेटा को उसमें से निकाल भी सकते हैं, राइट। तो ये थी हमारा स्टोरेज डिवाइसेस से मुतालिक छोटा सा टॉपिक। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।